हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज सेकंड लेक्चर। अब अपन स्टार्ट करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड क्या होता है। अभी तक अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जो फूड है वो कब तो बैलेंस माना जाता है, कब अनबैलेंस माना जाता है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर माल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री इज़ दैट पीपल डू नॉट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस फूड। ये कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन का सबसे मेन रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बैलेंस फूड क्या होता है। मैनी एग्जांपल्स कैन बी फाउंड वेयर इन ड्यू टू बैड हैबिट्स बैलेंस फूड इज़ नॉट टेकन अप प्रॉपरली एंड द पर्सन शोज द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों की गलत हैबिट्स और बैलेंस फूड नहीं लेने की वजह से उनमें माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को भी कोई नहीं समझ पाता है। जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जब लोगों को समझ में आती है बात। द इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिज़िकल एंड मेंटल वीकनेस। कहते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन उसे मैं दोनों ही, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिज़िकल, दोनों ही तरीके की वीकनेसेस हो जाती हैं। हेयर वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। यहाँ कुछ इफ़ेक्ट्स अपन पढ़ेंगे कि माल न्यूट्रिशन का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की कमी। माल न्यूट्रिशन का मतलब विटामिन की कमी। विटामिन आर अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारे खाने के लिए, खाने के पार्ट में, लेकिन उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ़ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। बहुत इजीली और क्लियर सिम्टम्स नज़र आते हैं अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के विटामिन की कमी होती है तो। अब नीचे जो टेबल दी हुई है इसमें बहुत कुछ बीमारियाँ और उनके सिम्टम्स बताए गए हैं कि कौन सी विटामिन से की कमी से कौन से डिजीज़ हो जाती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में नहीं दिखाई देना। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी, जिसमें हार्ट बीट हमारी कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है मसल्स में, नर्व्स में। विटामिन बी टू की वजह से राइबुल फ्लेविसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मुंह है मुंह के चारों तरफ क्या होती है छोटी छोटी इस मतलब जैसे लिप्स के ऊपर स्किन आ जाना, माउथ के अंदर थोड़ी लाइनिंग सी बन जाना, रैशेस टाइप में जिसको अपन कहते हैं। बी थ्री की कमी से हो जाता है पैलिग्रा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग है वो ड्राई होने लग जाती है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जैसे गम्स में ब्लीडिंग आना, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्किन पे स्पॉट्स का आना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे हमारी बोन्स, हमारे जो लेग्स हैं वो क्या होते हैं तिरछे होने लग जाते हैं। ये तो बात थी विटामिन की कमी से। अब आते हैं प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में इंटरनल जो टूट फूट होती है उसको ठीक करने में प्रोटीन बहुत काम आता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल जो टूट फूट का रिकवरी का काम होता है वो प्रोटीन ही करता है। ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर अनेबल टू ऐड प्रोटीन इन एडिक्वेट अमाउंट इन देयर फूड एंड बिकम्स विक्टिम्स ऑफ मॉलन्यूट्रिशन। गरीबी की वजह से काफ़ी लोग हैं जो अपने खाने में प्रोटीन को नहीं ले पाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन की शिकायत हो जाती है। चीफली स्मॉल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाई इट। हाँ, ज़्यादातर इससे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रेग्नेंट वूमेन एंड एडल्ट्स। जो भी कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसको प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एडल्ट्स, एडल्ट्स कौन होते हैं, बढ़ते बच्चे जो होते हैं उन्हें वो भी इसकी ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशिकोर डिजीज, चाइल्ड स्टमक स्वेल, लूज एपेटाइट, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, स्किन बिकम्स पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट रैप्चरिंग। ये कहते हैं कि प्रोटीन की कमी से जो डिजीज आती है इसमें हम स्टमक फूल जाता है, एपेटाइट लूज हो जाते हैं,
जो बिहेवियर है बहुत इरिटेटिव हो जाता है, स्किन जो होती है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है, काली पड़ने लग जाती है, ड्राई हो जाती है, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं और ये क्या आती है स्टार्च रप्चर, ये गिरना शुरू कर देती है। इन एडिशन टू प्रोटीन इफ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देन बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम वीक। अगर प्रोटीन और भी कम हो जाता है तो क्या होती है बॉडी श्रिंक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें अंदर की तरफ घुस जाती हैं और बिकम्स लस्टरलेस, लस्टर चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मैरिस्मस और इसे अपन मैरिस्मस की कंडीशन कहते हैं।